आइए थोड़ा अपने बचपन में चलते हैं, जब हम 6-7 साल के थे, अब तक हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ, वही हमें अच्छे बुरे का डिफरेंस सिखाते थे और वही हमें मैनर्स सिखाते थे, वही हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड थे। फिर एक दिन उनको क्या सोचा, और हमारे एडमिशन स्कूल में करवा दिया। यार किसी स्कूल का पहला नहीं, जब हम रोए जा रहे थे, चीख रहे थे कि नहीं जा रहे, पर हमें किसी भी तरह बेला फुसला के हमारे पेरेंट्स ने भेज दिया। क्या आपने कभी ये सोचा वो हमें इतना फोर्सफुली क्यों भेज रहे थे? उनके लिए भी आसान तो नहीं होगा अपने रोते हुए बच्चे को किसी एकदम ही नई जगह पे छोड़ देना, पर तब वो जानते थे ये ज़रूरी था, और आज हम भी जानते हैं कि हमारी पेरेंट्स की परछाई से निकल के दुनिया के धूप में तपना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो हम जानते हैं, हाँ ज़रूर, पर ये बता कि यही कहना जा रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमें आपसे अब पहली बार अलग करके एक टीचर के पास भेजते हैं। उनको दुनिया में किसी भी और व्यक्ति से ज़्यादा एक टीचर पर ट्रस्ट होता है। हमारे टीचर्स हमें एक ऐसी वैल्यूएबल गिफ्ट देते हैं जो शायद दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, वो है नॉलेज। हमारे पास पैसा आज है कल नहीं है, पर टीचर से मिला हुआ नॉलेज लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति यही मानता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी डाउनफॉल को फेस कर सकते हो, और ऐसा लाइफ लॉन्ग गिफ्ट हमें सिर्फ एक टीचर्स दे सकते हैं। हमारे टीचर्स हमें अपना बेस्ट एफर्ट्स देके हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, एक ही डाउट को बार बार क्लियर करते हैं, हमें समझ में आए इसीलिए नए नए मेथड्स, नए नए एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और हम ना कभी कभी इन एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते कि ये तो उनका काम है, ये तो उनकी ड्यूटी है। फ्रेंड्स एक सोल्जर का भी काम ही होता है देश को प्रोटेक्ट करना, पर जब वो कोई बहादुरी भरा काम करता है तो उसके लिए क्यों ढेरों मेडल्स अवार्ड्स। एक क्रिकेटर का भी काम ही होता है कि वो मैच में अच्छा परफॉर्म करे, पर जब वो अच्छा परफॉर्म करता है तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड होता ही है। मेन चीज़ों के खिलाफ नहीं है, पर बस इतना पूछना चाहता हूँ कि हमारे टीचर्स भी उनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के लिए अप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करते? हम ये भूल जाते हैं हमारी सक्सेस में जितना एफर्ट्स हमारा होता है उतना एक टीचर का भी होता है, पर जितना क्रेडिट हमें मिलता है उतना एक टीचर को नहीं मिल पाता है। आपको नहीं लगता हमें ये अप्रोच चेंज करना चाहिए, और हमें कहाँ ज़्यादा एफर्ट्स करने, बस एक छोटा सा थैंक यू ऐसे ग्रेटिट्यूड दिखाने से, क्या पता उनको और एफर्ट्स करने का मोटिवेशन मिलता हो। और फ्रेंड्स आज से बेहतर मौका तो शायद ही आपको मिलेगा टीचर को थैंक यू बोलने का। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार तालियों से यहाँ पे मौजूद सभी टीचर्स को थैंक यू बोलते हैं। बस यही बोलना चाहूँगा अपना समय देने के लिए, थैंक यू।